समझने वाला सब समझ रहा है ना, बोलने की क्या जरूरत है? सब लोग जानते हैं कि पिछड़ों के लिए काम नहीं किया पिछले 30 सालों में। कोई जस्टिफाई क्यों करना? हम किसी के आरोप का जवाब जो है काम से हम लोग देते हैं, पर काम हुआ है? कोई कुछ भी बोलता रहे, छोड़िए ना भाई, काहेला चिंता कर रहे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुंदरम कुमार। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले बिहार की राजनीति में काफी संग्राम मचा हुआ है। जितने भी नेता हैं अपने अपना जमीन तलाश रहे हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो भी लगातार जदयू पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं। महागठबंधन बने हुए लगभग 5 महीने बीत चुका है और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा बागी तेवर में है और लगातार जदयू पे सवाल खड़े कर रहे हैं। बीते दिन देखा गया था उपेंद्र कुशवाहा जदयू से सवाल पूछ रहे थे और कह रहे थे ऐसे कैसे चले जाएंगे, हक लेकर के जाएंगे, काफी सारे वो बात किए। उसके बाद जदयू के तरफ से भी प्रतिक्रिया आई और उपेंद्र कुशवाहा को कह दिया गया आए गए वाले हैं, फिर आए हैं फिर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा मन बनाए हुए हैं कि जदयू उन्हें निकाल दे और जदयू मन बनाई हुई है कि उपेंद्र कुशवाहा खुद से इस्तीफा दे दे। इन सबके बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के प्रतिक्रिया सामने आया। सबसे पहले तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, आपको हम सुनाते हैं, सुनिए। हर साल बिहार में जो है लगभग 1.5 लाख के आसपास होता है और कैंसर का इलाज जो होता है बहुत महंगा होता है। इसके लिए जो कैंसर की जो दवा है वो हम लोगों ने ड्रग लिस्ट में जो है इंक्लूड किया है ताकि लोगों को जो है इसका दवा जो है निःशुल्क उपलब्ध हो पाए। गरीब जो ज़मीन ज्वेलरी बेच करके जो ये करते हैं, और साथ ही साथ इसके लिए हम लोगों ने 6 मेडिकल कॉलेजेस जो है वहाँ इसके लिए हम लोगों ने दिया है ताकि उपचार हो, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं 38 वहाँ भी इसका जो है उपचार, डिटेक्शन का जो कीमियोथेरेपी के जो सर्विसेज वगैरह होती है, पार्लियामेंट्री के जो सर्विस होता है वो हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। सर, आप कुशवाहा जी वाला सवाल क्यों रहे हैं? कुशवाहा जी जिस तरह से बोल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि गठबंधन को कमजोर कर रहे हैं? कौन? उपेंद्र कुशवाहा जी जिस तरह से बोल रहे हैं पिछले कई दिनों से, आपको नहीं लगता कि महागठबंधन पर असर पड़ा है? समझने वाला सब समझ रहा है ना, बोलने की क्या जरूरत है? सब लोग जानते हैं कि पिछड़ों के लिए काम नहीं किया पिछले 30 सालों में। कोई जस्टिफाई क्यों करना? सबको पता है क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है कि नहीं। हम किसी के आरोप का जवाब जो है काम से हम लोग देते हैं, पर काम हुआ है? कोई कुछ भी बोलता रहे, छोड़िए ना भाई, काहेला चिंता कर रहे। और बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बड़े जागरूक लोग होते हैं, तो ये बात तो सब लोग समझते हैं। आपको लगता है इस स्क्रिप्ट पे यहाँ से तैयार हो गए? अरे भाई, समझदार लोग समझ रहा है। देखिए, तो सुना आपने, तेजस्वी यादव ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कह दिया कि कोई ये सब कहने वाली बात है, काम हुआ है, काम से हम लोग बताते हैं लोगों की क्या हुआ है। बिहार के लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हैं और सभी को पता है क्या कुछ चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, देखना होगा बिहार की राजनीति में इसके बाद क्या कुछ होगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी प्रतिक्रियाएं हर एक नेताओं का सामने आ रहा है और 2024 लोकसभा चुनाव के पहले अब देखना होगा उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक भविष्य जदयू और महागठबंधन के साथ रहेगा या फिर उपेंद्र कुशवाहा नया पार्टी बनाएंगे। फिलहाल के लिए खबर में बने रहिए हमारे साथ, लाइव बिहार के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।